जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक फंक्शन है वाई इज गोज टू एक्स की पावर एक्स है फंक्शन, एक्स की पावर एक्स है, इसका हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं लॉग लेके, लॉग वाई इज गोज टू एक्स लॉग एक्स, ये तो रहे ठीक ना। जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज गोज टू वाई, और एक्स ऐसे ही लॉग एक्स का डिफरेंशिएट एक्स प्लस फिर क्या लॉग एक्स ऐसे ही एक्स का डिफरेंशिएट वन, तो क्या जाता है ये एक्स की पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है। जब भी देखा होगा तुमने कि फंक्शन के पावर में फंक्शन जब भी होता है उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो सेम यही फंक्शन इसके मल्टीप्लाई में भी आ जाता है, देखा है नहीं देखा है, ठीक ना। और बाकी ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का क्या रहा है, लॉग एक्स लेके, लॉग लेके हम क्या कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्टली हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को, अगर डायरेक्टली हमें सॉल्व करना होगा तो क्या लिखेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, ये तो आना ही है हर कंडीशन में, तो एक्स की पावर एक्स फंक्शन ऐसे ही रहेगा, और जो डी अपॉन डी एक्स इस फंक्शन का क्या ले लेंगे लॉग एक्स की पावर एक्स, ये तो कर रहे हैं, मतलब लॉग लेके हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे जो अपॉन में वाई आ रहा है वो उसके मल्टीप्लाई में आ जा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली अगर फंक्शन को क्या करें डिफ्रेंशिएट करें तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको, हैं एक क्वेश्चन करते हैं इस मेथड से, समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो बता देना, सेम हम पुराने मेथड से करेंगे। हाँ एक स्टेप नहीं, बहुत सारे स्टेप हम क्या कर दे रहे कम कर दे रहे, टाइम बचेगा ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स। देखो यहाँ पे फंक्शन के पावर में फंक्शन है इसका डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है इसका डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाला फंक्शन तो सेम आ जाएगा साइन एक्स की पावर एक्स तो सेम आ जाएगा ठीक ना। फिर क्या जाएगा इसका डिफरेंशिएट करेंगे लॉग लेके, तो डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स की पावर एक्स ये जाएगा, फिर हम इसका करेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे लॉग लेके, अरे बस समझे। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं पूरा, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, हैं साइन इनवर्स क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, फिर इसका क्या करेंगे रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या जाएगा साइन एक्स की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स, देखो पावर आगे जाएगा और क्या बचेगा लॉग साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स इन टू ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टू एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएट होता है वन अपॉन रूट टू एक्स, सॉरी वन अपॉन टू रूट एक्स, क्लियर है। इसका डिफरेंशिएट करो अब, ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर एक्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स ऐसे ही, इसका डिफरेंशिएट लॉग का डिफरेंशिएट क्या जाएगा वन अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या जाएगा कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएट कितना जाएगा वन, नहीं आया समझ में, चैनल यूज कर रहे देखो एक्स ऐसे रहेगा लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट होगा लॉग का, लॉग का डिफरेंशिएट होगा तो साइन अपॉन में आ जाएगा तो वन अपॉन एक्स होता है, फिर चेन रूल यूज करेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, अरे बस समझे क्लियर है। फिर लॉग साइन एक्स ऐसे रहेगा एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा वन आएगा, तो एक्स की जगह क्या जाएगा वन इसका डिफरेंशिएट ठीक है ना, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा वन अपॉन टू रूट ऑफ देखो रूट एक्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वन के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। इसको सिस्टमेटिकली वे में लिख दो तो यह साइन एक्स की पावर एक्स क्या जाएगा देखो कॉस बाय साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है टेन, सॉरी कॉट होता है, क्या होता है कॉट, तो एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस वन बाय टू रूट ऑफ
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया, सिंपल हो गया क्वेश्चन है। खाली तुम्हें क्या याद रखना है, हाँ ये आंसर आ गया। तुम्हें क्या याद रखना है, हैं? तुम्हें बस यहाँ पे जब भी फंक्शन के पावर में फंक्शन दे रखा होगा, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए तुम्हें शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, ठीक है ना। इसके फंक्शन के पावर में अगर फंक्शन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो सेम फंक्शन ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सेम फंक्शन ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इस फंक्शन के साथ तुम्हें क्या ले लेना है, लॉग ले लेना बस, डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स की पावर एक्स, पावर आगे आ जाएगा लॉग साइन एक्स बचेगा। फिर यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ना प्रोडक्ट में, तो एक फंक्शन ऐसे रहेगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्लस ये वाला फंक्शन ऐसे रहेगा, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हाँ एग्जाम में भी कर सकते हो तुम इजीली।